बिल्कुल नहीं। दुनिया में सबसे आसान काम पैसे कमाना है। अगर पैसा कमाना इतना आसान काम है तो अभी इसी वक्त 2 लाख कमा के दिखा। 2 लाख? हाँ। सिर्फ 2 लाख ना? बस 2 मिनट में कमा कर दिखाती हूँ। मगर कैसे कमाओगी? वेरी इजी। सामने ज्वेलरी शॉप वाले को मेंटल डॉक्टर के हवाले करके। मैं आज फिर वही पुरानी बात दोहरा रहा हूँ। चोरों से माल बचाने के लिए दुकान को ताला लगाया जा सकता है, लेकिन धोखेबाजों से बचना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए स्पेशल आंख चाहिए और वो आंख मेरे पास है। जैसे ही किसी धोखेबाज को मैं देखता हूँ तो मेरी जबान खुद ब खुद चिल्ला उठती है, पकड़ो ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज है। नमस्ते, मुझे एक नेकलेस चाहिए, कम से कम 2 लाख का तो होना चाहिए। मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। जरा देना, ये लीजिए मैडम, 2 लाख का डायमंड नेकलेस। वाओ, ब्यूटीफुल। सेठ जी, जी अगर मैं ये नेकलेस बाहर जाके बेचूं जी तो मुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे? हाँ हाँ। ए, मैडम आपने अभी तक नेकलेस खरीदा नहीं और आप बेचने का सोच रही हैं? बस यूं ही पूछ रही थी। सेठ जी मुझे ये नेकलेस दे दीजिए। जी ले लीजिए, लेकिन पैसे? पैसे तो नहीं है। क्या नहीं है? क्या क्या? अरे 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 सेठ जी घबराइए नहीं। हाँ? वो क्या है कि मैं भी छोटी हूँ ना। हाँ? धोखा भी खा सकती हूँ। हाँ? इसलिए मेरे अंकल ने मुझे पैसे ही नहीं दिए। अच्छा, अरे सॉरी, मैं तो अपने अंकल का नाम आपको बताना भूल ही गई। मेंटल डॉक्टर जगत शर्मा है मेरे अंकल। अच्छा, तो तुम मेंटल डॉक्टर जगत शर्मा की भतीजी हो? अरे पहले क्यों नहीं बताया? आप उन्हें जानते हैं? नहीं नहीं, नाम बहुत सुना है उनका। इस शहर के सारे पागल उन्हीं से तो इलाज करवाते हैं। वैसे उनसे मेरी कोई जान पहचान नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। सेठ जी अगर आपको तकलीफ ना हो तो आप 2 मिनट मेरे साथ अंकल के पास चल सकते हैं। क्यों? मैं आपको उनसे 2 लाख रुपए यूं दिलवा दूंगी। अच्छा अच्छा। वाह, कितने समझदार हैं तुम्हारे अंकल। हार लेने भेजा लेकिन पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि इस दुनिया में धोखेबाज बहुत हैं। अरे सुबह से मैं समझा रहा हूँ अपने लोगों को कि इस दुनिया में धोखेबाज बहुत हैं। सेठ जी बहुत हैं। वाह, अब चले पैसे लेने। हाँ, चलिए मैं पैसे लेकर आता हूँ। डॉक्टर? यस। क्या आप ही मेंटल डॉक्टर हैं? मैं मेंटल डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मेंटल पेशेंट्स का इलाज करने वाला डॉक्टर हूँ। सॉरी डॉक्टर साहब, मुझे शक है मेरे डैडी की मेंटल हालत कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें ये शक कैसे हुआ? बात तो ये है डॉक्टर साहब, ना हमारा कोई बिजनेस है ना धंधा, मगर मेरे डैडी सबसे ये कहते रहते हैं कि लाओ मेरे नेकलेस की कीमत लाओ, दुकान बंद होने का टाइम हो गया है, जल्दी पैसे दोगे तो जल्दी घर जाऊंगा। बस यूं ही उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं वो? मुझे तो लगता है वो पागल है। यस, नो डाउट, वो पागल ही है। तुम एक काम करो, तुम उन्हें मेरे पास लेकर आओ। मैं उनको 2 इलेक्ट्रिक शॉक दूंगा, उनका पागलपन दूर हो जाएगा। डॉक्टर साहब वो मेरे साथ ही आए हैं, बाहर बैठे हैं। बुलाओ बुलाओ। हाँ जी, मैं अभी लेकर आई। जी, आपको मेंटल डॉक्टर अंदर बुला रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना, पागल नहीं हूँ फिर भी पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। चलिए। अच्छा, तो यही है वो? हाँ जी, वही हूँ मैं। ओ आई सी, बैठिए जी। तो आप इन्हें वो 2 दे देंगे ना? हाँ बेटी, तो मैं दे दूंगा, तुम जाओ। तुम जाओ बेटी, वो 2 मैं इनसे ले लूंगा। हाँ जी, बाय बाय। कोई फायदा नहीं, दिल में छेद है। छेद दिल में नहीं, एक्सरे प्लेट में है। गलती गलती मेरी है, जो दिल के दर्द के लिए मेंटल डॉक्टर के पास चला आया। डॉक्टर साहब आप मुझे नेकलेस के पैसे दे दीजिए ताकि मैं यहां से चला जाऊं। तो आप ऐसा सोचते हैं? अब इसमें सोचने की क्या बात है साहब, दुकान बंद करने का टाइम हो गया है,
कब से आप ऐसा सोचते हैं? कब से मैं क्या सोचता हूँ? आप मेहरबानी करके मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इससे पहले आपको ऐसा कुछ हुआ था? किससे पहले मुझे क्या हुआ था? आप क्या बोल रहे हैं आप? आपको लगता है कि आपकी गहनों की दुकान के अलावा और कोई भी दुकान है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब। लगता है मामला थोड़ा सीरियस है। अरे सीरियस वीरियस कुछ नहीं, आप मेरे दो दे दिए मुझे। अच्छा, तो बेटी ने वो दो के बारे में सब कुछ बता दिया है ना? आपके सामने ही तो बताया ना, अब आप दो दे दीजिए। अच्छा चलिए दे देता हूँ। ये डॉक्टर है या मेंटल है? ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप मुझे सर पर क्या पहना रहे हैं? आप मुझे दो देने वाले हैं ना? देता हूँ देता हूँ। पागलपन दूर हुआ? हाँ, मेरे नेकलेस के पैसे दे दो, मेरी दुकान बंद करने का टाइम हो गया है। ये पागलपन नहीं तो क्या है? मुझे तुम्हारी बेटी ने सब कुछ बता दिया है। मेरी बेटी? हाँ? अरे वो तो तुम्हारी भतीजी है ना। अच्छा, पागलपन के उल्टे दौरे पड़ने चालू हो गए हैं। ये लो, धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है लड़की, तूने मुझे धोखा दिया है, ये पाप तुझे नहीं बचेगा। ऊपर ही हम लोग हैं, वहाँ पे चित्रगुप्त तेरे पापों का हिसाब नोट कर रहा होगा। ये 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 ये। लिली लिली लिली। ए अकुम बकुम, क्या हाल है रे? ए क्या बात है लिली? हमें हमें फौरन शादी करनी होगी। अबे स्क्रू ढीला है क्या? तू क्या समझता है, तेरे आंसुओं से फिसल कर मैं तेरी बाहों में गिर जाऊंगी? लिली, आज 10 बजे मेरी माँ मर जाएगी और उसकी आखिरी तमन्ना कि मैं शादी कर लूँ। क्या उल्टी खोपड़ी का लड़का है रे तू, तेरे को कैसे मालूम 10 बजे तेरी माँ मर जाएगी? हाँ वो एक ज्योतिष ने बताया, सिर्फ 1 ही घंटा बचा है। देखो ना मत करना प्लीज। अबे हट, मैं सारी दुनिया को चूना लगाती हूँ और तू मुझे ही चूना लगा रहा है। अरे मुझसे शादी करने के लिए इतना बड़ा झूठ। नहीं लिली, मैं इतना नीच नहीं हूँ कि अपनी शादी के लिए माँ की मौत का बहाना बनाऊ। मेरा विश्वास कर, माँ की कसम। अच्छा चल मान लिया, तेरी बात सच भी हो, लेकिन मैं तेरे से शादी क्यों करूँ? मेरे लिए नहीं, मेरी माँ की खुशी के लिए कर लो। इस पूरे शहर में शादी करने को एक मैं ही तुझे मिली थी, चल चल किसी और को पकड़। लिली, मैं इस दुनिया में सिर्फ 2 लोगों से प्यार करता हूँ, एक माँ से और तुमसे। अरे अजीब जबरदस्ती है, मैंने तेरे से कितनी बार बोला है मैं तेरे से प्यार नहीं कर सकती। मगर एक काम तो कर सकती हो, हम दिखावे के लिए झूठ मूठ की शादी का नाटक कर लेते हैं। ये थोड़ी बात ठीक है, लेकिन इस शादी के नाटक में मेरा क्या फायदा? तुम जो मांगो मैं देता हूँ। 2 लाख देगा? हाँ जरूर दूंगा। देख 10 बजे तेरी माँ मरने वाली है। हाँ। 10 बजे के बाद मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं रुकने वाली, मंजूर है? हाँ मंजूर, चल चल जीप में बैठ। माँ, तूने शादी के लिए कहा था ना, इसलिए मैंने शादी कर ली। अब तो खुश हो ना माँ, खुश हो ना? तू समझता है मैं तेरी पसंद से इनकार कर दूंगी? नहीं माँ, ये बात नहीं है। वो टाइम खत्म होने वाला है ना, इसलिए मैंने जल्दी से शादी कर ली। टाइम खत्म होने वाला है मतलब? वो शादी जल्दी की ना माँ, इसलिए मैं। एक तो तुमने माजी से पूछे बगैर शादी कर ली और। गोपाल जी, सूरज और बहू के मंगल स्नान का इंतजाम करो, सुहागनों को भेजकर तमाम रिश्तेदारों को न्योता दो और इनके लिए ऊपर का कमरा सजा दो। माँ, ये सारी बातें बाद में हो जाएंगी, पहले तो आराम से बैठना। बेटे, तुम दोनों की शादी होते हुए तो मैंने देखी नहीं,
लेकिन जो बाकी की रस्में हैं, उन्हें मुझे पूरा करना है। जी मालकिन। तू ठीक तो ना? कुछ हुआ तुम्हें? अरे क्या हुआ, तू इतने जोर से क्यों चिल्लाया? माँ वो सूरज, ये क्या ऐसे खुशी के मौके पर आंसू? माँ ज्यादा खुशी मिली ना इसलिए। ये तू बार बार घड़ी को क्यों देख रहा है? बहू के साथ कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है क्या? अगर है तो 12 बजे के बाद जाना, क्योंकि 10 बजे के बाद अशुभ समय शुरू होने वाला है। और देखना ये ख्याल। माँ माँ, अरे गोपाल काका, गंगा जल लाओ जल्दी। गंगा जल? गंगा जल क्यों बेटे? वो पानी के बदले मुझसे निकल गया। माँ तू आ जा, माँ सोफे पर बैठ, आराम से बैठ, तू आ जा माँ। हाँ लेकिन माँ, बोल माँ, कुछ तो बोल। तेरे पोता पोती हो जाएंगे तो उनका नाम क्या रखूं? बोलो माँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। सूरज क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? माँ को कुछ नहीं हुआ, माँ को कुछ नहीं हुआ। अरे पांडू, माँ को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मेरी देख, माँ को कुछ नहीं हुआ। गोपाल काका, माँ को कुछ नहीं हुआ, माँ ठीक है। देखिए माँ, तुझे कुछ नहीं हुआ, तुझे कुछ नहीं हुआ, तू ठीक है। सूरज क्या हो गया तुझे, तू आज ऐसे क्यों कर रहा है? वो तुझसे पूछे बिना मैंने शादी कर ली ना, और तूने नाराज होकर भी मुझे कुछ भी नहीं कहा। बस इसी खुशी में मैं बस माँ। चलो बहू ऊपर चलो। अरे वाह, मैं क्यों चलूं? मैंने तेरे बेटे से शादी नहीं की है। इसने शादी का नाटक करने को कहा था तो मैंने किया। क्यों रे, तूने तो कहा था कि 10 बजे तेरी माँ मर जाएगी, ऐसा झूठ क्यों बोला? देख अपुन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, उसका टाइम भी हो गया और तेरी माँ भी जिंदा है। अब इन फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। वो 2 लाख रुपए है ना, मेरे घर पे पहुंचा देना। क्या? गुड बाय। माँ जी, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई, एक देवी जैसी माँ को ठुकरा कर और इतना प्रेम देने वाले इंसान को ठुकरा कर मैं चली गई। अगर आप इस पापन को माफ करके अपने घर की बहू बना ले तो मैं जिंदगी भर आपके चरणों में आपकी दासी बनकर रहूंगी। माँ जी आपकी दासी बनकर रहूंगी। जरूर बेटी, तुम ही मेरे घर की बहू बनेगी। गोपाल जी। जी मालकिन। बहू को ऊपर का कमरा दिखा दो। जी बहुत अच्छा, आओ बेटी। सूरज बेटे। माँ तूने मुझसे बात की? तू मुझसे नाराज नहीं है? अरे गोपाल काका, माँ ने मुझसे बात की। अरे
पांडू मारे मुझसे बात की। सुनो तो बेटे, बहू आई है। बहू? मतलब लिली आई है? ऊपर कमरे में है, तू जा उससे बातें कर, मैं मंदिर होकर आती हूँ। अरे देख क्या रहे हैं, जा जाके मिल ले, तब तक मैं नारियल फोड़ के आता हूँ। कुम्भकुम लिली। कुम्भकुम लिली हटो जा। हाय मर गया, ये चीज भी शर्माती है। एक बार बोलना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं ना। हाय भैया, फिर शर्मा गई। देख एक बार मुंह खोल दे और प्यार की बोली बोल दे। आई लव यू। छोड़ो, क्या भालू की तरह जकड़ के रखा है, मेरी दो तीन पसलियां तो तोड़ ही दी तुमने। कोई बात नहीं, मैं जोड़ दूंगा। हटो, जोड़ दोगे। सच है कि अब तुम लाइन पर आ गई हो। मैं माँ से कहता हूँ कि शादी का मुहूर्त निकाल लें। अच्छा सुनो, ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी फटाफट करोड़पति कैसे बन गए? ये राज की बात है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अरे प्यार का इस राज से क्या कनेक्शन? जिनसे प्यार करते हैं ना, उनसे कोई राज नहीं छुपाया करते। अकुम्बकुम, ऐसी बात है तो मैं सब कुछ बताऊंगा। मुझे एक किताब मिल गई है जिसका नाम है भविष्यवाणी। उसमें आने वाले कल की सारी बातें लिखी हुई हैं, जैसे कल रेस में कौन से घोड़े जीतेंगे, लॉटरी के कौन से टिकट नंबर निकलेंगे। बस मैं उस बुक को फॉलो करता गया और करोड़पति बन गया। अच्छा तो वो किताब मुझे दो ना। ना ना ना, ना वो मैं नहीं दे सकता। हाँ। क्यों क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उसमें मेरी माँ की जिंदगी का राज है। किताब चली गई तो माँ की जिंदगी को खतरा हो जाएगा। अगर तुम मुझे वो किताब नहीं दोगे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये कैसी बातें कर रही है लिली? मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। आज तुम्हें एक फैसला करना होगा, तुम मुझे चाहते हो या अपनी माँ को? मैं तुम दोनों को चाहता हूँ, तुम्हें भी और माँ को भी। नहीं, तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना होगा। सोच लो, महल से भी कुछ दिनों की मेहमान है तुम्हारी बुढ़िया। तूने मुझ पर हाथ उठाया, तुझे इसी वक्त फैसला करना होगा कि तुझे लिली चाहिए या तेरी माँ। अरे फैसला क्या करना है, फैसला तो मेरे थप्पड़ नहीं कर दिया, मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। तुम क्या अपने आप को बहुत ज्यादा खूबसूरत समझती हो? अरे नोटों के बंडल फेंको तो तुम जैसी हजारों लड़कियां चुटकियों में खरीद सकता हूँ। शट अप। अगर मैं शादी करना चाहूं तो तेरे जैसी लड़कियां इतनी इतनी मिलेंगी, मगर दुनिया भर की दौलत खर्च करके भी एक माँ नहीं मिल सकती, उसकी ममता नहीं मिल सकती। दिल के मंदिर में बिठाकर मैं अपनी माँ की पूजा करता हूँ, तेरे जैसी एक मामूली लड़की के लिए मैं अपनी माँ को छोड़ दूँ? नहीं, मैं इतना नीच नहीं हूँ। नाउ गेट आउट। लेकिन सूरज, डोंट टॉक। तुझे पता है कि माँ क्या होती है? भगवान संसार में हर जगह हर घड़ी नहीं रह सकता, इसलिए उसने अपने बदले घर घर में माँ को पैदा किया। अरे अगर माँ की कदर जानना है तो जा, जाकर अपनी माँ से पूछ, वरना कल जब तो खुद माँ बनेगी ना तो यही सवाल अपने बच्चों से पूछना, वो बताएंगे कि माँ क्या होती है। मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम जैसी लड़की से प्यार किया जिसे माँ का मतलब ही नहीं मालूम। गेट आउट, यहाँ से चली जाओ। गेट आउट। सूरज, सूरज मेरी बात तो सुनो। सूरज, सूरज, सूरज प्लीज, सूरज, सूरज मेरी बात तो सुनो। सूरज छोड़ दो मुझे। सूरज, सूरज, ये तुम क्या कर रहे हो? सूरज, सूरज। बोल चुका रे यहाँ, सवन्ना पहले से क्या राज लेकर आई है? जिंदगी का सबसे बड़ा राज सीख कर आ रही हूँ। जो बेटा जितना अपनी माँ को प्यार करता है वो उतना ही अपने होने वाली बीवी को करेगा। मैं ये राज सीख कर आई हूँ छोटा रावण। जिस पति के सीने में बेटे का दिल हो उसकी पत्नी बहुत ही तकदीर वाली होगी। और सबसे बड़ा राज ये पाया है कि मुझे जिंदगी में कभी सुख नहीं मिलेगा अगर मैं सूरज को छोड़कर किसी और की पत्नी बनी। रावण के भावन। हाँ गुरु। ये चुकरिया तो यहाँ से नागन की तरह फुंकारती हुई गई थी, डंक मारा ही नहीं उल्टा डंक खाकर आ गई। लगता है उस छोकरे ने ई पर कोई जादू की पूंगी बजाई है, उस ससुरे के पास कोई मंत्र है।
हमको वो मंत्र चाहिए। वो का वास्ते हम एक प्लान डिसाइड किया हूँ।